जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। चल रहा है का भाई? मैं गाना भी गाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सब सुन रहे हैं। चलने लगा क्या बिल्ली की दुनिया? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नए चैनल में सपोर्ट किया, चलिए थैंक यू। और कौन कौन जुड़ा हुआ है भाई, सभी का एक बार नाम बोलेंगे, उसके बाद बहुत ही धुआंधार क्लास होने वाली है आज। लेकिन एक चीज याद रखना कि इस क्लास को शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, नहीं तो ऐसे मजा नहीं आने वाला है। क्योंकि ये चैनल आपका ना, आप ही लोगों की जिम्मेदारी पे है, और आप ही लोगों का चैनल भी है, ये मेरा नहीं तो है, मालूम है ना आप लोगों को, क्योंकि पढ़ते तो आप ही लोग हो, हम तो पढ़ते हैं नहीं इसमें, तो सब जिम्मेदारी भी आप ही लोग की है। फटाफट शेयर करो, खूब जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चैनल पे अंकित कुमार जी जुड़ चुके हैं, विपिन जुड़ चुके हैं, मनीष जुड़ चुके हैं, शशि पटेल जुड़ चुके हैं, विशाल यादव, मिली की दुनिया, अमरजीत और अनुगौर गौर, नाम है इनका थोड़ा कठिन है, दिव्यांशी गोस्वामी, विकास, चंदन सिंह, योगेश गुप्ता, विनीत पाल, सुमन देवी पिपरा, रोशन मौर्या, प्रीति सिंह, अनुभव, रोशनी शुक्ला, नरेश और मुकेश, राजकुमार वैरवा, राकेश, एस के सिंगम, पूनम और जूही चावला। भाई नाम तो बड़ा फेमस है, सुनने मतलब सुनने में लग रहा है, बस इसके आगे मैं बोलूँगा भाई नहीं किसी का नाम, ये लास्ट है। चलो तो फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं हील डोल रहा हूँ थोड़ा मोड़ा, कहने का ये मतलब कि जब वीडियो फंस जाता है तो हिलता डोलता नहीं है, ये क्लास हर जगह शेयर की जाती है, इसलिए इसमें देखो बचवा ज़्यादा हो गया ना उससे। चलो तो याद रखना बेटा, आज से आपकी क्लास इसी चैनल पे चलेगी, ठीक है? मेरी आवाज़ तो कम नहीं सुनाई पड़ रही ना आपको, तो टेंशन मत लेना, आज से आपकी ये क्लास इसी चैनल पे चलेगी, साइंस वाली भी इसी पर चलेगी, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना अभी। और हाँ, वो बच्चा कमेंट नहीं कर पाएगा जो सब्सक्राइब नहीं करा होगा बेटा, तो सब्सक्राइब नहीं करे हो तो तुरंत कर लो, जिससे कि आप कमेंट भी कर पाओ, नहीं तो आप कमेंट नहीं कर पाओगे, याद रखना। इसलिए सब्सक्राइब करना नहीं बोलना, हाँ सब्सक्राइब कर लो जिससे कमेंट कर पाओ। चलो कह रहा है इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक याद कीजिए। बेटा गुणांक के बारे में मैं इसकी जन्म कुंडली पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ, इनके दादा परदादा के बारे में बता चुका हूँ, गुणांक क्या होता है। इनको इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये होते क्या है, जरा एक बार इनके पीछे हम फिर से चलते हैं। आओ जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4y का स्क्वायर, तो ये बताओ इसमें y का स्क्वायर का गुणांक क्या है, ब्रोडिस बताओ। अंजलि कुमारी, प्रिया गौतम, गुड इवनिंग, पीपी टाइम पास है, क्या ऐसा खतरनाक नाम है कि एक बार बोलो तो दोबारा सोचो न। चलो इसमें y स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखो जो चर पद के साथ अचर पद लगा होता है वही क्या होता है, उसका गुणांक होता है। जैसे ये चर पद क्या है, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का अगर गुणांक की बात करें तो क्या है, 4 है भाई, इसके साथ 4 गिनती लगी है, यानी वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा -3z3, इसमें मैं अगर तुमसे पूछूं कि बेटा जेड का क्यूब का गुणांक क्या है, तो जेड का क्यूब का गुणांक क्या है भाई, जेड के क्यूब के साथ में क्या लगा है, अरे इनको अलग अलग कर दो ना, अलग ही चूली कर दो इन्हें, ये लो हाँ, इनको भी अलग कर दो, इन दोनों में क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, अब अभी अलग हो गए, ये अलग हो गए, तो इसका गुणांक ये है, ये जो इधर फाइट में इधर को थोपड़ा करके खड़ा है ना, इधर को ऐसे -3। याद रखना गुणांक हमेशा चिन्ह के साथ लिखा जाता है, चिन्ह के साथ ही लिखा जाता है, यहाँ पे ये साइन ना भूलना, माइनस नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? मेरी बात पक्की है ना, किसी को कोई परेशानी, हैरानी, दिक्कत, समस्या, तकलीफ? तो चलो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक तुम ही बताओगे अब, बहुत आई गई यादें, अब की बार तुम ही आना, चलो बताओ तुम ही जल्दी बताओ। देखो अभी मैं थोड़ा थोड़ा मैं गाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मुझे आने लगा ना तो मैं गाऊंगा, तुम लोग को सुनाऊंगा फिर, ठीक है? अच्छा रहेगा ना, लेकिन मजा नहीं लेना, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं अकेले में, कैमरा चालू करके गाता हूँ लेकिन लाइव नहीं दिखाता आप लोग।
राकेश, रोहित विश्वकर्मा, और कौन है भाई, चंदन, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इतने अच्छे बच्चे हो तुम लोग कि मैं क्या कहूँ, इतने अच्छे बच्चे भगवान पता नहीं बनाते कहाँ से, तुम्ही लोग को बनाए हैं कि और भी कोई बनाए हैं। अबे तुम्हें मैं कहाँ रखूँ भाई, इधर हो जा आराम से, हिलना डोलना नहीं है, चलो रुक जाओ थोड़ा, मुझे कम रखने दो यहाँ पे, चलो तुम इधर हो जा। देखो इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, क्वेश्चन में कह रहा है, आप लोग किताब खोल लो चाचा लोग, एक्सरसाइज 2.1 है, क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है। इसके पहले याद दिला दूं, मैंने पहली बैच में 9 चैप्टर पढ़ा दिया है, पहली बैच जो पढ़ा रहा था 9 चैप्टर पढ़ा दिया हूं, वो पहली बैच हमारी कोशिश है सुबह 7 बजे चलेगी, ठीक है, पहली बैच सुबह 7 बजे चलेगी, लेकिन इसके पहले जो दूसरी बैच चल रही थी उसमें 7वां चैप्टर ही चल रहा था, तो मैं दूसरी बैच को सुबह चलाऊंगा, पहली बैच नहीं, दूसरी बैच चलाऊंगा, दूसरी तीसरी एक मिला दूंगा, ठीक है, तो 7वां चैप्टर से सुबह चलेगा 7 बजे, सुबह 7 बजे 9th की मैथ फिर चलेगी, आप लोग आना इसी चैनल पे, हाँ नहीं तो हो सकता अगले पे चले, अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन सुबह 7 बजे चलेगी। तो देखो बेटा इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करें तो 1 है, आंसर क्या है 1, सभी में एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना था। इसका जो दूसरा पार्ट था, आप लोग मुझे ये बताओ किसकी किसकी किताब में क्वेश्चन मैच कर रहा है, सबकी किताब में मिल रहा ना भैया, इसमें भी एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना बेटा, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताइए, अनुराग गौर बताइए, जो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं वो शाम को पढ़ें, और जो शाम को कहीं जाते हैं सुबह पढ़ें, मैं और क्या कर सकता हूँ भाई तुम्हारे लिए, ये तो कर सकता हूँ ना, दो टाइम कर दिया इसलिए। देखो बेटा इसका आंसर फटाफट बताओ जल्दी से, नाव्या गुप्ता ठीक है, स्कूल मॉर्निंग में है, कोई बात नहीं है, आप लोग स्कूल संभालो, हम तो ऐसे ही रहेंगे, पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, हाँ चलो। तो देखो बच्चा इसमें यक्स स्क्वायर जो है वो चिन्ह के साथ लिया जाएगा, इसमें भी लिया गया था ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह इसलिए नहीं लिखा गया, ये माइनस नहीं याद रखना, ये मैंने डैश लगाया था तो हटा देता हूँ, यहाँ पर ये 1 क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था। देखो कहते हैं ना जैसे कोई अच्छा काम करता है तो लोग उसकी तारीफ नहीं करते हैं, नहीं जैसे अब मान लो मोदी चाचा को देख लो भाई, सरकार गवर्नमेंट जी को देख लो, हाँ वो कितना अच्छा काम करें, उनको कोई नहीं, कोई कभी बड़ाई नहीं करेगा, तारीफ नहीं करेगा, लेकिन कुछ गलत काम कर देंगे तो सब लई के पीछे डंडा पड़ जाएंगे, समझ रहे हो। वैसे ये जो प्लस का साइन है ना, ये अच्छा काम है, ये प्लस का साइन जहाँ होता है वहाँ लगाया नहीं जाता है, वो दिखता नहीं है, ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जैसे कोई माइनस का साइन अगर है तो उसको बिना लगाए चैन नहीं आने वाला, गलत माना जाएगा। तो इसका अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक की बात करें इसमें, तो ये -1 होगा, ठीक है -1, जैसे मैंने बताया ना कि कोई अच्छा काम करता है तो उसकी कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन अगर एक भी काम गलत हो गया, गंदा हो गया, तो लोग उसके पीछे डंडा लेके पड़ जाते हैं, एक भी गलती मिल गई बस, तो बस वैसे ये है। तो आप लोग मुझे उम्मीद है कि इसके सारे पार्ट्स कर लोगे ना। अच्छा एक इसमें का तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट देखो बच्चा, तो ये पाई अपान 2 यक्स का स्क्वायर है और प्लस का यक्स है, इसमें जो बता देगा मुझे पता हो जाएगा कि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। चलो बताओ इसमें कौन बता पाएगा भाई, थर्ड वाले में यक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें भी बताना है बेटा, आप पढ़ रहे हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 2.1 चल रहा है, अधिकांश हमारे साथी क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि बेटा लाइक जरूर करो, तुम बिना लाइक करे ऐसे मजा नहीं आ रही, अंदर से दिल मत तोड़ो, दिल मत तोड़ो किसी गरीब का भाई, लाइक करो यार, हा? चलो प्रिंस प्रजापति, अनुप्रिया श्रीवास्तव, मदन गौतम, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, अमित, गीता, जितेंद्र थोड़ा सा गलत है, वर्तिका श्रीवास्तव, चलो देखो इसके साथ में जो भी अचर पद लगा है, देखो चर पद में मैंने बताया था वेरिएबल से जेड तक होता है भैया, ये जो पाई वाई है ना ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो पाई अपान 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें यक्स स्क्वायर के साथ में जो साथी बगल में लगे हैं ना वो क्या है, गुणांक क्या है, वो
गुणांक है, मतलब जिसे एक प्रकार से ऐसे बात करो दलाल है, ये दलाल है। जानते हो जैसे कोई काम अच्छा कराने जा रहे हो किसी ऑफिस कार्यालय में और दलाल मिल जाते हैं, तो जो मेन होते हैं वो ये हैं जो सही सही का काम करेंगे, साथ में दलाली करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे, वो ये हैं बगल वाले। समझ गए ना? तो इसका जो अगर गुणांक की बात करें तो पाई अपान टू। समझ गए ना? सभी को समझ में आ रहा है? किसी के मन में कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो बता दो मुझे, जल्दी जल्दी से बताओ। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? देखो यार, क्लास को आप लोग समझो और अच्छे से समझो। हाँ चलो, तो पहला प्रश्न हो गया, किसी का कोई डाउट है तो बताओ, कोई परेशानी कोई तकलीफ किसी को नहीं ना? अगले प्रश्न पे चलें। निहारिका सिंह, हाँ हाँ, मुझे बेसिक मैथ की क्लास 0 लेवल से करनी है। अच्छा ठीक है, नंबर नीचे चल रहा है ना स्क्रीन पे, वो उसी लिए दिया गया है, उसका काम ही वही है, इंक्वायरी करिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, ये सेकंड नंबर था याद रखना, मुझे लगता है कि मैंने नहीं लिखा था। 2.1 का सेकंड था, ये 3 है। 3 में कह रहा है कि 35 घात के 2 पद और 100 घात के 1 पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, बोलो कौन कौन कर लेगा। 35 घात के 2 पद, 2 पद का मतलब होता बेटा बाइनोमियल, हाँ, और 100 घात के, 100 घात के क्या कह रहा है, 1 पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो आप लिखो इसमें बाइनोमल, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में भाई, पढ़ के बताओ तो, ऐसे तो होता है ना, इसे बोलते हैं हिंदी में भैया द्विपद। तो कह रहा कि 35 घात के 2 पद का, कुछ भी रख लो भैया, इनके खोपड़ी 35 लगाओ बस, इनके इसीलिए चुल्ल मची है कि इनके खोपड़ी 35 होना चाहिए, चाहे जैसे भी कर लो। ये भी एक एग्जांपल हो गया, तुम यक्स की जगह पे वाई लिख सकते हो, ये भी एक उदाहरण हो गया, इसकी जगह पे कुछ भी लिख दो, मतलब कोई एक चर पद ले लो या ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन जेड तक, उसकी घात 35 लगा दो और प्लस उसके पिछलग्गू में कुछ जोड़ दो, मतलब इसके साथ में कुछ जोड़ दो बस, जैसे 7 मैंने जोड़ दिया, ठीक है। या फिर इसे ऐसे भी तुम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछा क्या था, एक चर राशि वासी तो कुछ कहा नहीं था, मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो वगैरह वगैरह, लेकिन छोटा सा लिखो, सिंपल सा, क्या मतलब, ये दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हो, चाहे जो लिखो। इसी में एक और कह रहा था कि 100 घात यानी 100 घात के 1 पदी का एक उदाहरण दीजिए, 100 घात के 1 पदी का, तो भैया 1 पदी का मतलब क्या होता है, ये मोनोमियल, हाँ, एक पदी मतलब जान रहे हो, जैसे ले लो 100, ये भी एक उदाहरण हो गया, सही है। अगर तुम यक्स का घात 100 लिख लो तो ये भी सही हो गया, वाई का घात 100 लिख लो तो ये भी सही हो गया, कुछ भी लिख लो ऐसे, इसमें से कोई एक है सही है, मैंने एक से अधिक उत्तर दिया है, मतलब पर एक है सही नहीं, सब सही है, कोई एक लिखोगे आप, क्योंकि एक एक उदाहरण पूछा था, नहीं तो ऐसे भी कुछ टीचर हैं, ऐसे भी महान आत्माएं हैं जो 3 लिख दोगे तुम्हारा गलत भी कर सकते हैं, कहेंगे ससुराल सुन नहीं रहा है, पूछा एक का था 3 लिख दिया। अमित दुबे जी बहुत अच्छे भाई, विकास भिंड, चंदन कुमार, नाभ्या, मंजीत मौर्य, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए थे, तीसरा भी हो गया, अब क्या करेंगे हम, आगे बढ़ो थोड़ा सा ना, करना क्या है, थोड़ा और आगे बढ़ो, चलो थोड़ा और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई साहब, 3 नंबर हो गया ना, आप कौन सा बताएं, 4 कर लोगे घर से, बोलो सभी, चौथा घर से कर लोगे कि नहीं, और जितना भी नया बचवा आया ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो आप कमेंट नहीं कर पाओगे, इसमें जितना कमेंट कर रहा ना स्टूडेंट वो सब सब्सक्राइब करा है, क्योंकि बिना सब्सक्राइब करे हमारे यहाँ कमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर फोर नंबर कह रहा है कि सबसे बड़ी घात बतानी है। क्या बताना बच्चा? सबसे बड़ी घात बतानी है। मैं खड़ा हो सकता हूँ यहाँ ना? हाँ, मेरे खड़े भर की जगह है। चलो क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। लार्जेस्ट पावर आपको बतानी है। एक्सरसाइज 2.1 मतलब प्रश्नावली 2.1 प्रश्न संख्या 4 सवाल नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। निम्नलिखित का मतलब नीचे दिया गया बहुत सारा निम्नलिखित है। तो देखो निम्नलिखित में क्या है। पहला में है 5x का स्क्वायर। ये भैया कतिया एक 3 लगी है बाबू, ये एक स्क्वायर नहीं क्यूब है। इसमें कह रहा है कि इसकी घात बताइए। देखिए आपने देखा होगा अगर किसी घर में किसी माँ बाप के किसी गार्जियन के दो बच्चे हैं ना, जो सबसे बड़ा होता है ना उसके नाम से लोग बुलाते हैं। हाँ, जैसे मान लो किसी की कोई दंपत्ति है, कोई फैमिली है, इसकी कोई बेटी है काजल, भाई कोई होगा तो बुरा नहीं मानना, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अगर उसके पापा उसकी मम्मी को बुलाएंगे तो उसका नाम लेके थोड़ी बुलाएंगे, कहेंगे ओ काजलिया सुनतिया रे, समझ रहे हो ना? मतलब मेरा समझ रहे हो? यानी जो बड़ा होता है उसका क्या होता है? नाम होता है। फिर एक और आ जाएगा, दो और आ जाएंगे, तब भी वो उसी का नाम लेके बुलाएंगे, बड़े वाले का, चाहे वो लड़का है लड़की है। तो इसका ये मतलब है कि उसका क्या है, मतलब ज्यादा मान सम्मान। तो उसी तरह से इसमें जो सबसे बड़ी घात है वही इसका आंसर होता है। ठीक है, सबसे बड़ी जो घात है वो क्या आंसर है, समझ गए? मैंने इसलिए इसको बताया इतनी बड़ी कहानी। तो इसकी घात क्या है? अधिकतम घात 3 है, और 3 क्या आंसर है, समझ गए ना भैया? मनोज यादव आया समझ में? विशाल, आदि, प्रिंस प्रजापति, पूनम, मंजीत, रिशु तिवारी, अवंतिका गुप्ता। चलो तो इसी तरह से दूसरे वाले में आप लोग कर लोगे, 4 - y² में बहुपद की घात 2 होगी। यहाँ कारण भी लिख देना, कारण लिख दो, घात बराबर तीन क्योंकि दिए गए बहुपद की अधिकतम घात 3 है, क्योंकि दिए गए बहुपद की मैक्सिमम पावर क्या है, 3। समझ रहे हो ना? हाँ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई हैरानी, कोई मुसीबत, सब ठीक है ना? मैं हट जाऊं सामने से? लो चलो फटाफट चट करते जाओ, साथ साथ में लिखते जाओ। ठीक है ना बच्चा? दूसरे वाले में घात 2 होगी। अब ये इस तरह से आपका 4 क्वेश्चन भी हो गया। 5 नंबर पे आ जाओ, क्वेश्चन पे, 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा एक बात बताओ, सबको समझ में आ रहा ना? एक बात बताओ तुम जल्दी से, आ रहा है ना सबको समझ में? बोलो यस, सभी बोलो यस 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 यस। देखो कुछ ना कुछ बोलते रहा करो, सही गलत बोलते रहा करो। अच्छा एक बात बताओ, बात बताओ से कुछ और याद आ जाता है। चलो देखो, अगर इसमें हम बोलें कि इसमें बहुपद की घात क्या है तो क्या होगा? रिशु तिवारी बताइए, विशाल यादव, दिव्यांशी, प्रियांशु, अमित, वर्तिका, रोहित, नाव्या, अशोक राजपूत, चंदन सिंह, मुकेश, श्वेता द्विवेदी, बताओ इसमें क्या होगा? देखो टाइम भले थोड़ा लग जाए लेकिन खेल खेल में सीखो। अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा, चुपचाप स्टैचू बना रहूंगा तो नींद आएगी बड़े प्यार से, फिर तुम सो जाओगे, मम्मी पापा आएंगे पीछे से एक की मारेंगे आराम को, पढ़ रहा है मोबाइल चला सो रहा है, और थोड़ा थोड़ा बातचीत हो जाती ना, तुम लोग जगते रहते हो, थोड़ा एक्टिव रहते हो। और कुछ तो ऐसे भी इसमें महान आत्माएं जो पढ़ते नहीं सिर्फ यही सुनने के लिए आते हैं, थोड़ा मजा आ जाती। तो ठीक है, तो देखो बेटा इसमें जो, इससे तो कोई मतलब है नहीं,
ये तो वैसे नसुट्टा है, इसमें अंडर रूट लगा है, कोई घात वात है नहीं इसके। ये इसमें है ना एक चर पद वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है टी है, टी का कोई घात नहीं, इसकी घात वन मानी जाती है। देखे क्यों न सहाय ओके गणपत सहाय, तो इसकी कोई घात नहीं होती तो वन मानी जाती है, तो इसका क्या होगा आंसर वन आएगा, क्या आएगा वन। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसमें का सारा क्वेश्चन कर लेना। अगला देखो, पांचवा नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर फाइव, पांच बोल रहा हूं, चलो देखो क्वेश्चन नंबर पांच। और हाँ, ये आप देख रहे हो क्लास पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पे, याद रखना आज से आपका चैनल बदल गया है, इसलिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये तो बाद में फोन कॉल करे ना, जान लो फिर फोन कॉल मत करना कि नहीं मिल रहा आज, फिर ये मत पूछना क्लास नहीं मिल रहा है, सब्सक्राइब कर लोगे तो बिल्कुल फ्री मिलेगा, नमक चटनी भी ना लगाना पड़ेगा वैसे मिलेगा। चलो समझो, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। बेटा जब बहुपद शुरू करा था ना मैंने, उसके दूसरी क्लास में मैंने सब तुम्हें बताया था कि द्विघाती बहुपद क्या होता है, ये बायनोमियल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, त्रिघाती क्या होता है ट्रिनोमियल, एकपदी बहुपद क्या होता है मोनोमियल, बताया था ना, बताया था ना भैया बाबू राजा, बताया था ना। तो अगर बताया था तो इस क्वेश्चन के सारे पार्ट तुम कर लोगे ना। चलो मैं एक ठीक यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा ट्रेलर, ट्रेलर देख लो यहाँ पे, यक्स का स्क्वायर और प्लस यक्स। देखो एक बार मैं फिर से बता दूं, क्योंकि कुछ इसमें ऐसी भी आत्माएं भटक रही जो नहीं देखी क्लास को, वैसे तो वो क्लास चैनल पे पड़ी है, पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पे है, जाके देख लेना, पीछे की 9 क्लास जितनी चली अभी तक, आज ये 10वीं क्लास है, सभी क्लास के टाइटल थंबनेल अपडेट करने हैं, संख्या पद्धति पढ़ा सब में जो कि गलत है, अपडेट नहीं हो पाया, समस्या थी, बिजी था शेड्यूल, अपडेट कर दिया जाएगा। पिछली शायद 8 क्लास से ही बहुपद शुरू हो गया है, आज 10वीं क्लास है या तीसरी क्लास है। ठीक है, तो समझो, तो बेटा मैंने आपको बताया था चार अचर पद ना, बीच में जितने प्लस या माइनस के चिन्ह होंगे और वो पद आपस में असमान होंगे तो उसमें उतना ही पद का बहुपद माना जाता है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, पहले ये देखने दो मुझे, बहुपद रैखिक है द्विघाती है त्रिघाती है, सॉरी इसमें ये नहीं पूछ रहा, लेकिन इसमें एक पद द्विपद से नहीं मतलब है, कह रहा रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है, वो बहुपद वो पॉलिनोमियल जिसकी अधिकतम घात 3 होगी वो त्रिघाती बहुपद होगा, जिसकी अधिकतम घात, सिर्फ घात देखना, पावर पावर देखना, पावर घात, क्योंकि लोग आजकल हैसियत नहीं, क्या बोलते हैं उसे, खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं, है ना, तो इसकी पावर देखना हमें, तो इसकी अधिकतम घात 2 है, इस पे 1 है। तो अगर हम बात करें इसमें क्या बहुपद की, तो ये द्विघात बहुपद है, क्या लिखोगे, द्विघात लिखोगे ना, लिख लो फटाफट, अगर बोलो द्विघात हो तो। मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी नोट करे हैं, ये सब तुम्हें करवा देंगे, हाँ जितने भी हैं एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, अभी मैं इसमें से कुछ कुछ करवा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में है, बस बगैर एनसीईआरटी वाला नहीं। चलो एक और इसमें है, और क्या कह रहा है, इसमें भी वही सब करना है तो कर लेना सब, फिर जितना है कर लेना, ये द्विघात हो गया, इसी तरह से आप इनके सारे भी कर लोगे कि नहीं पहले ये बताओ। अच्छा दूसरे बता देता हूं, यक्स माइनस यक्स का क्यूब, इसमें कितनी घात है अधिकतम बताओ, कितनी घात है अधिकतम, जल्दी बोलो फटाफट, सामने दिख रहा है आप लोगों को, एक्सरसाइज 2.1 चल रहा है बेटा, कौन सा चल रहा है,
2.1 चल रहा है, फटाफट बताओ। चलो इसमें अधिकतम घात अगर आप देख पा रहे हो तो तीन है, कितनी है? तीन है। हाँ देखो समझो, कितनी घात है? अधिकतम तीन है, ये क्या त्रिघाती है। अब इसमें बताना क्या, इसको मैंने बताया द्विघाती है, जितनी अधिकतम घात होगी उसे उसी प्रकार का बहुपद बोलोगे। तीसरा वाला बताओ क्या है, y प्लस वाई का स्क्वायर प्लस फोर, ये किस प्रकार का बहुपद है बोलो, ये किस प्रकार का बहुपद है? देखो इसमें अधिकतम घात दो है बेटा, तो ये क्या है? द्विघाती बहुपद है। क्या है ये? ये द्विघाती बहुपद है, ठीक है, कोई डाउट कोई संदेह नहीं ना। और अगर हम बात करें इसमें सात नंबर की, इसमें बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन छोटे छोटे से ही दिए गए हैं ना, सब कर लो, अब मैं नहीं बताऊंगा एक भी, इसमें के सारे कर लो आप लोग, ठीक है। इसमें आपको केवल घात देखना है बस, अधिकतम घात कितनी है, बाकी वो किस फॉर्म में दिया गया उससे नहीं मतलब है, किस फॉर्म में दिया गया उससे नहीं मतलब है। जैसे इसमें लास्ट वाला देख लो, 7x³, ये क्या है? त्रिघाती बहुपद है। क्या है ये? त्रिघाती बहुपद है। है कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं होना चाहिए, लिख लो फटाफट लिख लो, आपका 5वां नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो बेटा आपका इस तरह से 2.1 खत्म हो गया, 2.1 चैप्टर वे खत्म होएगा वो, अब 2.2 चलेगा, 2.2 चलेगा। अच्छा ये सुनो, जिनको आगे पढ़ना है चैप्टर नंबर 7-8 ना, 7वां चल रहा था दूसरी बैच में ना, तो जिनको उसके आगे पढ़ना है वो सुबह 7 बजे से देख सकते हैं बेटा, ठीक है। कब? सुबह 7 बजे से। आप लोग ये बताओ इसमें से कितने ऐसे हैं जिनकी किताब में ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, कोई है ऐसा? कोई ऐसी भी भटकती आत्मा इसमें पढ़ रही है जिसके किताब में क्वेश्चन ना मिल रहा हो, मन मन गरिया रहा हो, पता नहीं कहाँ से पढ़ा रहा है इतना देर से, कोई है ऐसा? हाँ क्लास 9-10 की अब इसी चैनल पे चलेगी, लेकिन सुबह की जो क्लास है बेटा, सुबह मतलब 7 बजे की, वो किस पे चलेगी? मुझे लग रहा है कि वो उसी चैनल पे चलनी चाहिए। इस पे देखो साइंस हो जाएगा आपका, मैथ 9th वाला हो जाएगा, 10th वाला हो जाएगा। एक्चुअली समस्या क्या है ना, एक चैनल पे 3 से ज़्यादा नोटिफिकेशन यूट्यूब देता नहीं, और तुम लोग बिना नोटिफिकेशन के आते नहीं हो। वैसे इसी चैनल पे चलेगी क्लास, इसी पे चलेगी, जहाँ हो तुम इसी पे चलेगी, और लेकिन दूसरे वाले चैनल को बोलना नहीं। बिहार स्टडी इलाहाबाद जो इसके दादा हैं उस पे सारी अपडेट आपको मिलेगी, और भी बहुत सारी क्लासें उस पे होंगी आपके काम की, ऐसा नहीं कि उसको बोल जाओ, नहीं उसको बोलना नहीं, याद रखना, यादों में कभी कभी आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, क्लास आज बंद करा जाए? एक चैप्टर ख़त्म हो गया ना, कल बेटा आप लोग पढ़ोगे बाबू एक्सरसाइज 2.2, क्या पढ़ोगे? 2.2। अच्छा एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, यदि x बराबर 2 तो x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मान कौन बता लेगा? इसमें से कितने इसको बता लेंगे, जल्दी से बता दो एक बार, तो बताओ। इसमें अगर x का मान 2 रखा जाए बेटा तो इसका मान क्या आएगा? सबसे पहले जो बताएगा ना वही सिकंदर होगा आज इस क्लास का। चलो बताओ